भारत ने कभी भी किसी भी देश पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन हम पर हमेशा से आक्रमण होते रहे। फिर चाहे वो ग्रीक्स हो, अरब्स हो, पर्शियंस हो, पोर्चुगीज हो, या फिर आखिर में ब्रिटिशर्स। लेकिन हर बार जब भी आक्रमण हुए, इस देश के वीरों ने हमेशा से अपने बलिदान से इस देश की रक्षा की है। लेकिन इन वीरों के साथ ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएं भी थी जिन्होंने इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व गुमा दिया। लेकिन आज हम अगर आपसे पूछे कि आप ऐसी कितनी वीरांगनाओं के बारे में जानते हैं, तो शायद आप में से कुछ लोग रानी लक्ष्मीबाई का नाम बताएंगे या फिर एक दो और। लेकिन क्या आप उल्लाल की रानी अबक्का के बारे में जानते हैं? रानी अबक्का को भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे भी जाना जाता है, और उन्होंने पोर्चुगीज सेना को एक बार नहीं लगातार हराया। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस पन्ने की जिससे हमारे इतिहास की किताबों में होना चाहिए था। 7वीं सदी में भारत का अरबी देशों के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार काफी तेजी से बढ़ रहा था, और इस पे काफी सारे यूरोपियंस देशों की नजर थी, और उनमें एक होड़ सी लगी थी कि कौन पहले भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजे। और सबसे पहले सक्सेसफुल हुए थे पोर्चुगीज जब 1498 में वास्को डी गामा ने भारत पे कदम रखा था कैलीकट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल में ये सिखाया गया है कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, फिर आगे जाके आजकल ये सिखाते हैं कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। तो सत्य क्या है, इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस मुहिम प्रोजेक्ट विद्या में जुड़िए, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तक में ऐसी ही चीज़ें पढ़ाई जाए जिसमें भारत का गौरव है। तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। वास्को डी गामा के भारत आने के 100 साल बाद तक पोर्चुगीज ने काफ़ी सारी भारत की जगहों पे कब्जा कर लिया था। परिस्थिति ऐसी थी कि अब हिंद सागर में भारत को ही अरब और अफ्रीकन देशों के साथ व्यापार करने के लिए पोर्चुगीज से पेड परमिट लेनी पड़ती थी। 1526 में उन्होंने मैंगलोर पोर्ट पर भी कब्जा कर लिया था, और अगला टारगेट था उल्लाल। उल्लाल जो कि एक चौटा डायनास्टी के राजा थिरुमाला राया थर्ड की राजधानी थी, एक बहुत ही विकसित बंदरगाह भी था। चौटास जैन राजा थे जो कि 12वीं सदी में गुजरात से मॉडर्न डे कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में आके स्थायी हो गए थे। अब क्योंकि चौटास एक मैट्रिलिनियल यानी कि स्त्री वंश परंपरा से आगे बढ़ने वाली डायनास्टी थी, इसलिए वहाँ की राजकुमारी अबक्का को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। रानी अबक्का छोटी उम्र में ही तीरंदाजी, तलवारबाजी, स्टेटक्राफ्ट, युद्ध नीति में निपुण थी, और जब आगे जाके वो वहाँ की रानी बनी तब उनको पोर्चुगीज से मंडराता हुआ खतरा दिख रहा था। एक व्यूहात्मक निर्णय के चलते रानी अबक्का की शादी मैंगलोर के शासक लक्ष्मप्पा के साथ कर दी गई, लेकिन जब बाद में वो पोर्चुगीज से जाके मिल गए तब रानी अबक्का ने अपने ही पति से विद्रोह कर दिया और ये शादी को तोड़ दिया। इसके बाद पोर्चुगीज ने उल्लाल पे टैक्सेस डालना शुरू कर दिया, लेकिन रानी अबक्का ने इससे इनकार कर दिया। इससे गुस्सा होके 1556 में पोर्चुगीज आर्मी ने एडमिरल डॉन एल्वारो के अंडर में उल्लाल पे अटैक कर दिया, लेकिन रानी अबक्का ने पोर्चुगीज आर्मी को हरा दिया। 2 साल बाद ज़्यादा सेना बल लेके वापस उल्लाल पे अटैक किया गया, लेकिन इस बार भी रानी अबक्का ने युद्ध नीति, युद्ध कौशल और अरब और कोझिकोड के साथ मिलकर पोर्चुगीज सेना को वापस हरा दिया। इसके बाद वापस जो पिक्सेटो ने एक बार और आक्रमण किया, इस बार वो शाही महल पे तो कब्जा करने में कामयाब हो गए, लेकिन रानी अबक्का वहाँ से बच के निकल गई। और फिर अचानक एक दिन रात को अपने 200 सैनिकों के साथ उन्होंने पोर्चुगीज सेना पे एक सरप्राइज अटैक कर दिया, जिसमें उन्होंने जनरल को मार दिया और उसके साथ उसके 70 सैनिक को भी मार दिया। इससे डर के बाकी सारी सेना वहां से भाग खड़ी हुई।
जब पोर्चुगीज को ये पता चल गया कि वो उल्लाल को युद्ध से नहीं जीत सकते, तो उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया और उल्लाल के आस पड़ोस के सभी राज्यों को ये कह दिया कि अगर कोई भी उल्लाल की मदद करेगा तो वो गैर कानूनी होगा। इसके बावजूद भी रानी अबक्का अकेली डटी रही। इस घटना से चौंक कर पोर्चुगीज ने उस समय के गोवा के वाइस रॉय एंथनी नुरोआ के साथ 3,000 की पोर्चुगीज आर्मी को भेजा और उल्लाल पे एक सरप्राइज अटैक किया। तब रानी अबक्का रोज की तरह मंदिर से पूजा करके वापस आ रही थी, तभी सेना ने अटैक कर दिया, लेकिन वो किसी भी तरह वहां से बच के निकल गई और अपने घोड़े पे सवार वहां से भाग गई। लेकिन वो वापस अपनी आर्मी के साथ पोर्चुगीज के साथ लड़ाई में जुड़ गई। इस लड़ाई में भी काफी सारे पोर्चुगीज जहाज जल गए, लेकिन रानी अबक्का जख्मी भी हो गई और क्योंकि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, वो आखिर में पकड़ी गई। इस महान वीरांगना ने अपनी आखिरी सांसें पोर्चुगीज कैद में ली। तो ये थी एक महान वीरांगना की महान कहानी जो शायद भारत में बहुत सारे लोग नहीं जानते। 2003 में फिर इंडियन पोस्ट ने भी रानी अबक्का की याद में एक पोस्ट को समर्पित किया था। इंडियन नेवी के एक पेट्रोल वेसल का नाम भी रानी अबक्का के नाम के पीछे रखा गया है। आज 21वीं सदी में हम जब स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ये कहानी अगर हम बच्चों को बताएं तो इससे ये पता चलता है कि तब भी भारत की नारी ना सिर्फ सशक्त थी बल्कि वीरता और शौर्य का एक प्रतीक थी। इस वीडियो को देखने से पहले आप में से कितने लोग इस महान रानी अबक्का के बारे में जानते थे, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे बहुत सारे कितने और भी पात्र हैं, अगर इसके बारे में भी आप जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।